किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज नहीं करने दिया जाएगा। पाक फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज़ फ्राइज सर अंजाम देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलानिया। आर्मी चीफ का कहना था कि दुश्मन कुवतों के इशारे पर काम करने वाले दहशत गर्दों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। दहशत गर्दों की हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ भी रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी, हाईकोर्ट ट्रायल में मुदाखलत नहीं कर सकती। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त दायर की थी। और कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बरकरार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। तेज बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब आने का खदशा। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। सवाबी, बहावुल नगर, शेखुपुरा समेत कई इलाकों में जल थले। पहाड़ों पर बर्फबारी के हसीन नजारे। सवात, नथियागरी, अयूबिया, गिलियात में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। एबटाबाद में बर्फबारी के दौरान सयाहों की गाड़ियाँ फंस गए।